किया तो टॉपिक मेरा यही था, क्या ईश्वर होते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा, आप मानते हैं? तो मैंने कहा, हाँ, मैं विश्वास करता हूं। तो बड़ा दिलचस्प सवाल उन्होंने मुझसे पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, क्या आपने कभी अनुभव किया है? तो मैंने कहा, नहीं। तो उन्होंने बोला, जब अनुभव नहीं किया तो मानते कैसे हैं? जो चीज देखी ही नहीं कभी, उस पर इतना विश्वास क्यों? कुछ सेकंड में चुप रहा। फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा कि जहर से क्या होता है? वो बोले, मृत्यु। तो मैंने बोला, आपको कैसे पता? आपने कभी अनुभव किया है? तो बोले, नहीं। तो मैंने कहा, आपको मालूम कैसे है? तो कहने लगे, लोगों से सुना है, जिन्होंने खा उनकी मृत्यु हो गई, जिन्होंने खाया वो मर गए। डॉक्टर्स कहते हैं कि जहर से मृत्यु होती है। तो मैंने कहा, मरीजों की मानी, डॉक्टर की मानी तुमने? बोले, हां। तो मैंने कहा, वेद पुराणों की मानो, जिसमें लिखा है कि है। उन ऋषि मुनियों की मानो, उन साधु संन्यासियों की मानो, जिन्होंने अनुभव किया है। तुमने नहीं किया, लेकिन किसी ने तो किया है। अगर अनुभव ही आधार है, किसी और के अनुभव को मान सकते हो, तो ऋषि मुनियों के अनुभव को मान सकते हैं, वेद पुराणों में जो लिखा है उसको मान सकते हैं। साथियों, मैंने उनसे पूछा, कितने लोग ईश्वर को विश्वास करते हैं? 200 लोगों का एक सेशन था गोवा के अंदर, एक रिजॉर्ट में मैं प्रोग्राम कर रहा था। आउट ऑफ 200, 195 लोगों ने कहा, वी बिलीव इन गॉड। 5 लोगों ने बोला, हम लोग विश्वास नहीं करते। और मुझे उनकी बात पे कोई हैरानी नहीं हुई। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते, और उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तो मैंने उन 5 लोगों से कहा, आप कैसे विश्वास करेंगे? तो उन्होंने बोला, अगर कोई सबूत कर दे, कोई सबूत दे दे, तो हम लोग मानने लग जाएंगे। मैंने कहा, सबूत तो मैं तुमको आज दे सकता हूं, और अभी दे सकता हूं, और यहीं दे सकता हूं। तो उन्होंने बोला, दीजिए फिर। मैंने बोला, आप सब खड़े हो जाइए। वो सब लोग खड़े हो गए, 200 लोग। मैं उस बैंकेट हॉल से लेकर उनको गोवा के रिजॉर्ट में बाहर ले आया। बाहर बीच का किनारा था, अलग कर दिए गए। 195 लोग अलग किए गए, 5 लोग अलग किए गए। मैंने एक व्यक्ति से सवाल किया, जो 5 लोग ईश्वर को विश्वास नहीं करते थे, उनमें से एक व्यक्ति से मैंने सवाल किया कि आप कहां रहते हैं? तो उसने कहा कि मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं। तो मैंने बोला, मुंबई में कहां रहते हैं? इंडिपेंडेंट मकान है आपका या फ्लैट में रहते हैं? तो बोला, हम फ्लैट में रहते हैं, 4th माले के ऊपर। मैंने कहा, वेरी गुड। तो मैंने पूछा, नहाते कैसे हैं? ये डिस्कशन बहुत खतरनाक होने वाला था, और एक ऐसी जगह ले जा रहा था उनको जहां उन्होंने ख्वाब ख्याल में सोचा नहीं था कि मैं क्या करने वाला। मैंने बोला, कैसे नहाते हैं? बोला, वॉशरूम में जाते हैं, शावर ऑन करते हैं, पानी आता है, नहाते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। तो मैंने कहा, पानी शावर में से आता है? बोले, हाँ। मैंने कहा, शावर का होता है? बोले, नहीं नहीं नहीं, शावर में से आता है, होता टैंकी का है। मैंने कहा, टैंकी में कहां से जाता है? बोला, म्यूनिसिपैलिटी का पानी है, पहले नीचे एक टैंक है, वहां इकट्ठा होता है, फिर वहां से मोटर उसको ऊपर भेजता है टैंकी के अंदर, और वहां से नीचे पाइप से होते हुआ शावर में आता है, हम लोग नहा लेते हैं। तो मैंने कहा, पहले नीचे इकट्ठा होता है? बोले, हाँ। बोला, फिर मोटर उसको ऊपर चढ़ाता है? तो बोले, हाँ। तो मैंने बोला, मोटर का जरूरत क्यों है? बिना मोटर के 4th फ्लोर पे ऊपर टैंकी लगा है, वहां पानी क्यों नहीं जाएगा? तो बोला, इतना फ्लो कहां होता है सर? इतना फ्लो नहीं होता कि 4th माले पे 50 फुट के ऊपर पानी अपने आप स्वतः चला जाए, ग्रेविटी प्रॉब्लम करता है। मैंने कहा, बस यही तो सुनना था, अब आप मानेंगे कि ईश्वर है। तो बोले, सर इन बातों का ईश्वर के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, पता कैसे चलता है? मैंने कहा, समझाता हूं साथियों। मैंने सबको बोला, मैं आप सबको समझाता हूं कि कहां कहानी बन रही है। मैंने बोला, ये पास में ही नारियल का वृक्ष है, जिस व्यक्ति से मेरा डिस्कशन हो रहा था। मैंने कहा, ये पास में नारियल का पेड़ है, अब आप जाइए और मोटर ढूंढिए, जो मोटर पानी को नीचे से 50 फीट ऊपर नारियल के अंदर पहुंचा देती है। पानी नीचे से ऊपर जाता है, 50 फुट ऊपर नारियल के फल के अंदर वो पानी जाके जमा होता है, आपको मोटर ढूंढ के लानी है। जिस दिन आप मोटर ढूंढ के लेके आ जाएंगे, उस दिन मैं आपको समझाऊंगा कि ईश्वर होते हैं कि नहीं। बोले, मोटर तो कोई नहीं। तो मैंने कहा, मैं भी आपको ही समझा रहा हूं, कोई है जो पानी को नीचे से ऊपर 50 फुट ऊपर नारियल के फल के अंदर पहुंचा देता है, अपने आप। अपने आप नहीं पहुंचता, कोई पहुंचा रहा है, कोई पहुंचा रहा है, कोई सदे हाथ हैं जो ये सारी स्थिति को नियंत्रण किए हुए हैं। दोस्तों, मैंने उनसे पूछा कि मैं सुबह सुबह तुमको देख रहा था, तुम लोग जिम में वर्कआउट कर रहे थे। बोले, हाँ सर, हम जिम में वर्कआउट कर रहे थे। तो मैंने बोला, जिम में वर्कआउट करने से कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे? बोला, सर वो पसीना निकल रहा था, पसीना निकाल रहे थे। तो मैंने कहा, इसका मतलब बॉडी के अंदर छिद्र हैं, छेद हैं, पोर्स हैं, जो पसीने को बाहर निकालते हैं।
बोले हाँ बिल्कुल यकीनन सर ऐसा ही होता है, यानी छेद में से पानी बाहर निकलता है शरीर का। बोले हाँ सर। मैंने कहा मैंने कुछ लोगों को देखा वो स्विमिंग पूल में नहा भी रहे थे। कुछ लोग बोले हाँ हाँ सर हम नहा रहे थे। तो मैंने कहा उन्हीं छेद में से पानी शरीर के अंदर क्यों नहीं जाता? क्या जवाब है इसका? बोले नहीं। मैंने कहा उसका गणित बेमिसाल है, उसके गणित को न तुम समझ सकते हो न मैं। कुछ अपने आप नहीं होता, बनाया गया है, स्थिति नियंत्रण में रखी है, डिसिप्लिन बहुत शानदार है। मैंने कहा ऐसा सोचो कि 100 करोड़ बंदर 100 करोड़ टाइपराइटर्स पर 100 करोड़ सालों तक यूं ही चटर पटर करते रहे तो हो सकता है शेक्सपियर का एक गीत पैदा हो जाए। हो सकता है? नहीं, शेक्सपियर का एक गीत भी पैदा नहीं हो सकता। जब 100 करोड़ बंदर 100 करोड़ टाइपराइटरों पर 100 करोड़ सालों तक चटरपटर करते रहे तो एक गीत तब भी पैदा नहीं हो सकता। और ये संसार गीतों से पटा पड़ा है, अपने आप नहीं हुआ, कोई है। मैंने बोला ऐसा सोचो कि तुम रेगिस्तान से गुजरे, चारों तरफ रेत के टीले हैं और तुमको वहां एक घड़ी पड़ी हुई मिल जाए। तुम कल्पना भर कर सकते हो कि अपने आप बन गई होगी? हजारों हजारों वर्ष तक डस्ट पार्टिकल मिलते रहे और घड़ी बन गई, क्या तुम कल्पना कर सकते हो? बोले नहीं। घड़ी मिल गई इसका क्या मतलब है? बोले इसका मतलब यह कि कोई आदमी वहां से पहले गुजरा है, उसके हाथ से गिरी है तो वहां पड़ी है। तो मैंने बोला जब एक घड़ी अपने आप नहीं बन सकती, इतना बड़ा विराट अस्तित्व अपने आप कैसे बन सकता है? कोई है जो बना रहा है। साथियों ईश्वर है, ईश्वर ही है। एक ही मिट्टी, एक ही पानी, एक ही खाद गन्ना भी पैदा करते हैं और मिर्च भी। क्या गणित है, ना आप समझ सकते हैं ना मैं। छिलका कैसे फल को बांधे हुए है, छिलका कैसे फल को बांधे हुए है, फिर भी फल के अंदर रस चला जाता है। कैसे जाता है? कोई गणित नहीं है। तू शाहों को गदा, गदा को बादशाह कर दे। साथियों तू शाहों को गदा, गदा को बादशाह कर दे, घटाने और बढ़ाने में तेरा इशारा काफी है। वही है, वही है, वही है। धन्यवाद।